गुड इवनिंग भाई, मेरी वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। दोपहर के 3 बजने वाले हो रहे हैं। ये वीडियो शायद आपके पास कल पहुंचा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग करने का, और बहुत ज़रूरी हो गया था ये वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे पास टाइम तो इतना था नहीं, और आप लोगों को ये बात बतानी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मेरे साथ 2-3-4 दिन से जो घटना घट रही थी ना, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर हम लोग एक्टिव हो रहे हैं इंडिया में, वैसे वैसे साइबर क्राइम ज़्यादा अपने पैर फैला रहा है, क्योंकि इंडिया में ना बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा तो अनपढ़ है, तो उनका ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन ये लोग फ्रॉड करने के नए नए तरीके अपनाए हैं, और कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इन्हें बातें पे रवे है ये सब। तो मैं आपने बताऊंगी कि भाई 2-3 दिन से मेरे पास एक रॉन्ग नंबर पर मैसेजेस स्टार्ट हो रहे थे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे, मैं 3-4 नंबर तो ब्लॉक भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो मैसेज आने बंद नहीं हुए। नए नए नंबर आते, फिर मैसेज आ जाए, फिर मैसेज आ जाए। लेकिन परसों मैंने एक बात कर ली, फिर भी मस्ती करके थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चल देख तो लो भाई के सांग चल रहे हो, बार 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 जो मैसेज आवे हैं, और कॉल आवे है, व्हाट्सएप कॉल आवे थी, कभी इंस्टाग्राम पर कॉल आवे थी, तो मैंने फिर उससे बात करी। बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई मैं मिस्टर जोल बोल रहा हूँ इंग्लैंड ते, यानी यूके ते, और मैंने आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, और आप बहुत अच्छे हो नेचर वाइज भी, और आप बहुत अच्छी वीडियो बनाओ हो। तो मेरा बेटा है 10 साल का, तो उसने मेरी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगे है, और वो आपसे बात करना चाहे है, बहुत बड़ा फ़ैन है वो आपका। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई ना, ठीक है। तो वैसे मैं किसी अनजान आदमी से बात नहीं करा करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई चलो कोई ना भाई, वीडियो कॉल करवा दो, आप अपने बेटे से बात करवा दो। बोले बोला मैं ऑफिस में हूँ, करीब तक बात नहीं कर सकता। मैं चलो कोई नहीं, फिर मैंने फ़ोन रखा, मैं सोगी सोगी तो अगले दिन फिर मैसेज आए, अरे भाई ये बात है वो बात है। तो वैसे ही ये नॉर्मल बात है कि भाई आप क्या करो हो, क्या काम करते हो। मैं ये काम करूँ हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँ हूँ, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारी बात बताई उसने। अरे एक बात और आपने बता दूँ, उसने इंग्लिश आवा है, सिर्फ हिंदी वो बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो मैंने भी ट्रांजेक्शन के जरिए, ट्रांसलेट के जरिए उनसे बात करी थी, तो मैंने भी नहीं आती इतनी इंग्लिश, तो यहाँ नॉर्मल वर्ड भी चलो ठीक है, उनका लिखे उड़ा तो मैं समझ लूँ, लेकिन बोलनी मैंने भी नहीं आती इतनी, क्योंकि तो इतनी पढ़ी लिखी मैं भी नहीं हूँ कि भाई मैं इंग्लिश में, लेकिन जो भाषा हम बोलने लग जाओ आए जाओ फिर तो। तो फिर उनने कही है कि भाई मैं आपके लिए है ना एक गिफ्ट भेजूंगा। फिर मैंने मैसेज किया जी इसकी कोई ज़रूरत को ना मैंने किसी गिफ्ट की ज़रूरत है। तो लेकिन वो मैसेज फिर बार बार आए, बोले मेरा बेटा बोल रहा है कि आप इंडिया में है ना गिफ्ट भेजो, मैं अपने बेटे की बात नहीं टाल सकता, तो इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट भेजूंगा। आने वाला, मैं आप लोगों को एक बार और बता दूँ कि भाई आने वाला एक गिफ्ट विदेश से एक बहन है ब्राज़ील तक, उसने भेज रखा है, लेकिन उस गिफ्ट का मैंने पता है उसने क्या चीज़ भेजी है और कब आवागर, एक भी रुपया मैंने उसका पे नहीं करना है, इस बात का भी मैंने पता है। लेकिन यो सब मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, इस बात का भी मैंने पता था कि यो फ्रॉड है सब कुछ। तो फिर मैंने क्या करी भाई, मैं नहीं जानती, मैं कहा नहीं जी मेरे पास नहीं भेजना, मैं आपको जानती नहीं ना मैंने कोई किसी गिफ्ट की ज़रूरत। लेकिन वो बोले ना मैं आपकी मदद करना चाहूँ और मैं आपको गिफ्ट करना चाहूँ कुछ ना कुछ। तो उनने भाई यो गिफ्ट यो चीज या चीज भेजी है और इसमें ना मैं 40,000 पौंड डाल कर और मैं पार्सल न भेजू हूँ भी, आप यो पैसे है ना उनने गरीबा में बांट दियो और कुछ पैसे अपने यूज कर लियो। तो भाई एक लालच देने वाली बात है तो समझो बात ना, और मेरी इस बात में ये मत ना सोचियो कि आप बेवकूफ़ है बात करी इसने ये करी, ये मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, नॉर्मल बात थी, और बात आप तो लोगों को बतानी जरूरी थी। हो सका वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो ने पूरी देखियो, अरे काम की बहुत है यह वीडियो। तो फिर मैंने क्या करा,
उस दिन भी मैंने फिर बात नहीं करी, क्योंकि मेरे पास है ना सिलाई का इतना सारा काम हो रहा है, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती हो रहा है, कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो राजीव का भी फोन आ जाए तो उससे भी मतलब लिमिट की बात करूँ हूँ भाई, 2-4 सेकंड कर ली और कह दिया कि भाई मैं काम कर रही हूँ, तो उससे बात करने का तो मेरे पास कितना टाइम हुआ था। तो फिर अभी मैंने पार्सल भेज दिया और आप रिसीव कर लियो, तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कल फिर मैसेज आए वही भाई, आपका पार्सल पहुंचने वाला है, लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि भाई आपके इस पार्सल को आपके घर तक पहुंचने के लिए, देखो जब मैंने उसको एड्रेस नहीं दिया और कुछ बताया नहीं मैं कहाँ की हूँ, सिर्फ हाँ ये तो भाई वीडियो में भी पता चल जाए हम लोग, अगर वीडियो बनावा है तो हम कहाँ के हैं, है ना। तो जब मैंने उसको एड्रेस ही नहीं दिया तो वो मेरे पास कैसे भेजेगा और क्या भेजेगा, ये तो सोचने वाली बात थी। लेकिन फिर भी वो यो समझा था कि पागल है, पर मैं उसकी बात न समझ रही थी कि वो एक फ्रॉड है और फ्रॉड करना चाहूँ मेरे साथ में, पर ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बोले कि भैया आपने है ना $400-500 पे करना पड़ेगा इसका चार्ज, और फिर आपका पास ये पार्सल पहुंच जाएगा, और उसमें ना बहुत सारे पैसे हैं, यानी 40,000 पौंड हो गए, तो यूँ समझ लो इंडिया का तो 40 लाख का बराबर है, वह यूके के 1 पौंड की कीमत इंडिया में लगभग 100 रुपये के करीब है, तो ये समझ लो 40 लाख रुपए हो गए। अरे कौन किसके सिर सिर में खड़े हो रहे हैं जो 40 लाख रुपए घर बैठे उन्हें दे कर जावेगा, तो इतने पागल हम हैं के। तो फिर भी मैं चल ठीक हंसी मजाक है कुछ ना, फिर मैंने वो नंबर मार दिया ब्लॉक दोबारा, तो फिर दूसरे नंबर पर तो मैसेज आया, हक मैम आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक खोलो और मैं आपसे अर्जेंट बात करना चाहूँ, आपका पार्सल पहुँच गया है। अरे भैया तो कति पंगे हो गए कसूते, विमान है नहीं रहा, दूसरे पते फिर तीसरे पते आ गया। तो फिर भी मैंने कोशिश करके फिर बार मैंने बात करे ली, तो मका सर बोल लो मका पार्सल आ गया, तो कोई ना मका घर भिजवा दो, मैं रिसीव कर लूँगी पार्सल आपका, भिजवा दो। तो उसी दौरान वो मैसेज तो कर आने हो जाए बंद, अब थोड़ी देर पीछे कॉल आवा मेरे पास, तो वो कॉल आवा है कि वो बोला है कि भाई मैं मुंबई एयरपोर्ट तो बोल रही हूँ, और हिंदी उसने भी नहीं आवा बोलनी ना, वह समझे जैसे हरियाणी में बात कर रही थी, तो उसका समझ में भी नहीं आती। तो बोलिए मैं इंडियन एयरपोर्ट से बोल रही हूँ मैम, और आपका पार्सल आया है, आप किसी मिस्टर जोल जेसेस हैं यूके में, इंग्लैंड में, उन्होंने भेजा है। मैं कहा जी बोलो, तो बोले वो पार्सल आपके घर तक पहुंचने के लिए आपको है ना 42,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी 42,000 रुपये मैंने उनसे देने पड़ेंगे जब वो पार्सल मेरे पास आओगा। तो मैंने हंसी आने लगी, क्योंकि हाल ही में मैंने ना 3-4 दिन पहले की वीडियो देखी थी, एक ट्रक ड्राइवर था उसके साथ में यह घटना घट रही थी, और वही बात सेम टू सेम मेरे साथ हो रही थी, तो मैंने थोड़ी हंसी आने लगी। तो मैं अपनी हंसी ना कंट्रोल कर गई उस टाइम पर, तो मैंने उससे कही अरे कि भाई कोई बात नहीं भाई मैं पे कर दूंगी, बोले आप दूसरा नंबर ले लो भाई, इस पर आपने पे करनी है जब आपके पास घर पार्सल पहुंचेगा, मैं कोई बात नहीं भाई तू नंबर दे दे। तो उसने नंबर सेंड कर दिया, मैं कोई ना, थोड़ी देर पीछे दूसरे नंबर पर तो फोन आया, बोला जी आपने पेमेंट ना करी, हमने तो आपका पार्सल घर पर भिजवाना है। तो मैं उनसे यूँ चाहूँ कि भाई उनकी कॉल भाई रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन क्या करें वह हर 10 सेकंड में फोन काट है, हर 10 सेकंड में फोन कट रहा है वो, और फिर फोन आ जाओ फिर फोन आ जाओ, आखिर में मैंने ब्लॉक कर दिया। देखो भाई मन्ने पता है कि यो फ्रॉड हो रहा है, आखिर में मैंने यो एक एक काट दिया फोन, कि भाई एक काम कर वो 40,000 रुपये भी तू भर ले, इस पार्सल ने भी तू रख ले, मैंने इस पार्सल की कोई जरूरत नहीं है, और दोबारा फोन मत ना करिए, और तू फ्रॉड है, मतलब 2-4 बात उसको बताकर फोन काट दिया। लेकिन भाई जो मेरे साथ होया किसी अनजान आदमी के साथ भी हो सका है, क्योंकि ये लोग ना फ्रॉड के नए नए तरीके अपनावे हैं, तो इन तक बचो और अपने आप ने भी बचाओ और अपने आसपास के लोगों ने भी यह वीडियो जरूर शेयर करियो जो भी इस वीडियो ने देख रहा है, क्योंकि आज यह घटना मेरे साथ घटी है या किसी और अनजान आदमी के साथ भी घटेगी, क्योंकि इन लोगों ने तो रोज नए नए शिकार चाहिए और नए नए तरीके चाहिए फ्रॉड के, कदे किसी चीज़ पर कदे किसी चीज़ पर। तो बने रही हो मेरी वीडियो पर, राम राम सभी को, और हो सका तो इस वीडियो ने जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दियो, ताकि कोई बच जाए,
और मैं स्क्रीन पर डालूंगी उनके फोन नंबर भी। अगर किसी के पास उस उन नंबरों से अगर कॉन्टैक्ट होता है तो वो एकदम फ्रॉड है, वो नंबर मैं अपनी स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप लोग देख लें। वीडियो तो हो गई है बहुत लंबी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी ये बात बतानी। तो राम राम सभी को। जो भी मेरे चैनल पर न्यू आओ, इस वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। मिले ये नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।